पूरे 43 साल बाद इराक में आयोजित हुए ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिस शाइमा कासिम अब्दुल रहमान को मिस इराक चुना गया है। गौरतलब है कि साल 1972 के बाद 2015 में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें मिस इराक का ताज इराक के किरकुक शहर की 20 वर्षीय शाइमा के सर सजा है। दरअसल इस कॉन्टेस्ट में 150 इराकी लड़कियों ने भाग लिया था, जिसमें से 15 लड़कियों ने किसी कारणवश अपना नाम वापस ले लिया। वहीं लॉस वेगास में आयोजित मिस यूनिवर्स 2015 का खिताब फिलीपींस की पिया ओलोंजो ने अपने नाम किया है। बताते चलें कि इस खिताब के लिए 80 प्रतिभागियों के बीच कांटे की टक्कर हुई। जानकारी के लिए ये भी बता दें कि शुरुआत में मेजबान स्टीव हार्वे ने गलती से मिस यूनिवर्स के लिए मिस कोलंबिया एरिटना गुटेरेस का नाम घोषित कर दिया था, जो कि सेकंड रनर अप रही है। लेकिन फिर उसके बाद तुरंत उन्होंने अपनी गलती सुधारते हुए पिया ओलोंजो का नाम मिस यूनिवर्स के लिए घोषित कर दिया। हालांकि अपनी इस गलती के लिए उन्होंने काफी खेद भी जताया है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए रचना की रिपोर्ट।